आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। दूसरा, इसमें से लोग जंगलों में छोटे भूखंडों में पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर वहाँ की घास व झाड़ियों को जलाकर साफ करते थे। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि घुमंतू खेती को है वो झूम खेती को ही कहा जाता है। और इसके तरह यहाँ पर देखो दिखाया गया कि भूखंडों को ऊपरी भाग को वो काट देते थे और नीचे जो घास फूस होती थी उसको जला देते थे और वहाँ पर उस मिट्टी को खुरच करके और खेती योग्य बनाने के लिए वो सहायक होते थे, क्योंकि कुछ समय के लिए वो बिना खेती के भी रह सकते थे लेकिन आने वाली ज़मीन में आग उससे भी खेती कर सकें। ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में कुछ दिए गए इनमें कथनों में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में देखना है। घुमंतू किसान समानता पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली घाटियों में रहते थे, ये सत्य है कथन, क्योंकि ये पूछा जा रहा है। दूसरा, गुजरात में बहुत सारे वन क्षेत्रों में वह अभी भी रहते हैं, ये भी सत्य है। गुजरात की जो गौण जनजाति है वहाँ घुमंतू खेती करती है, उन लोगों का कार्य है, क्योंकि गुजरात में एक जाति पाई जाती है जिसको गौंड बोलते हैं। तो गौंड जाति जो होती है वो घुमंतू खेती करती है, क्योंकि आज बहुत सारी जनजातियाँ हैं यहाँ पर। क्या भी गया, पहला दूसरा कथन सत्य है और तीसरा यहाँ पर थोड़ा असत बता दिया गया, क्योंकि गौंड जो जनजाति तो सही था लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है ना कि घुमंतू खेती करते हैं, तो घुमंतू खेती वो नहीं करते थे, गौंड या एक स्थान पर रह करके खेती करते थे। बाकी दोनों सत्य थे, क्योंकि वो मध्य और पूर्वती उसमें क्षेत्र में रहते थे, जंगली पट्टियों में रहते थे जो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी शिकारी एवं संग्राहक जनजातियाँ जो शिकार करती थी और संग्रह मतलब भोजन इकट्ठा करती थी इधर उधर से तलाश करके, खान बेगा इसमें गौंड और संथाल नहीं है, ठीक है। इसमें और भी कई ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन सी जनजातियाँ किस प्रकार की खेती करती थी और उनको कहाँ पर प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही यहाँ पर अगला भी दिया गया है, जो उड़ीसा था तो वर्तमान में जो उड़िया थे रहने वाले जो खाण और डोंगरिया थे कि बैगा जो थे उनके बारे में बताया गया है। शिकारी और संग्राहक जनजातियाँ ने ब्रिटिश काल में स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को जो कपड़े वगैरह बुनते थे या चमड़े की रंगाई के लिए जो कुसुम और पलाश का एक पुष्प होता था उसकी आवश्यकता होती थी, इन्हीं को हम संग्राहक जनजातियों कहते हैं। अगला आता है, निम्न में से झूम खेती करने वाली जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पर दिया भी गया खाण और बैगा, गौंड और संताल और गद्दी और लवानिया, भील और नागा बोलते थे इन्हें। ये जनजातियाँ इनमें से कौन सी जनजाति थी जो झूम खेती करती थी। तो यहाँ पर डी वाला क्वेश्चन सही है, यानी कि भील और नागा जो गुजरात और अन्य कई क्षेत्रों में भी हैं, नागा जो नागालैंड जैसी कई जनजातियाँ घुमंतू कृषि करती थी। इन स्थान स्थायी रूप से बसाने के लिए अंग्रेज़ों ने ज़मीन को बहुत ज़्यादा ठीक के रूप में व्यक्तियों को हिस्सा के रूप में उनको दिया भी और लगान भी उनका तय किया गया ना, कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित भी किया। इसी प्रकार से पंजाब के जो पहाड़ में रहने वाले लोग या वन में गुज्जर वगैरह जाति थी, आंध्र प्रदेश में लवाणियाँ थी, ये आदि ये जो साथ एक साथ झुंड बनाकर रहते थे, इस प्रकार के जो समुदाय थे, गद्दी समुदाय के लोग या गढ़रिया जित होते थे जिनको बोलते थे, ये सब
बकरियां वगैरह पालते थे या भेड़ों को पालन करते थे, तो ये घुमंतु के रूप में ही प्रयोग रहते थे। इधर उधर घूम करके ही अपना भोजन संग्रह करते थे। निम्न में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक जगह ठहर कर खेती करने वाली जनजातियाँ कौन सी थी। कुछ ऐसी भी जनजातियाँ थी जो एक ही स्थान पर ठहर करके करती थी, जैसे खाण और बेगा, गोंड और संताल, गद्दी और लवाड़ियाँ, भील और नागा। तो इनमें से यहाँ पर स्पष्ट हो सकता है कि कौन सी ऐसी जनजातियाँ थीं जो कि एक ही स्थान पर, तो यहाँ पर एक स्थान पर ठहर करके खेती करने वाली जो जनजातियाँ थीं उनके द्वारा हमें पता चलता था कि कैसे वो एक जगह से करती थी। तो यहाँ पर बी क्वेश्चन था गोंड और संथाल। गोंड जो मध्य भारत में और संथाल थे वो आपके झारखंड। जैसे अनेक जनजातियाँ थीं जो एक जगह ठहर कर खेती करती थी और बहुत सारे समुदायों में उनों की तरह इधर उधर भी घूम करके भी वो खेती करते थे, क्योंकि ये सब क्या थे, एक स्थान पर ठहर करके एक ग्रुप इनका एक समुदाय होता था उसके रूप में ये लोग वर्क करते थे। क्योंकि शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वाली जनजातियाँ थीं से अधिक सभ्य लगती थी। सभ्य क्यों लगती थी, अंग्रेजों का भी ये मान्यता था कि ऐसे लोग हैं वो ज़्यादा सभ्य होते हैं एक स्थान पर, और उनको बताया गया था कि वो व्यक्ति जो घुमंतु खेती वाले होते वो थोड़ा ऐसे होते थे जर्जर टाइप के या वो उत्तेजित व्यक्ति होते थे वो, क्योंकि एक जगह ठहर करके वहाँ के समुदाय का आपस में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। कहा जाता है जो व्यक्ति जिस माहौल में रहता है उसी हिसाब से उसकी ढल जाता हो। अगला है ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे आदिवासी मुखियाओं का जमीन या मालिकाना जो हक होता था वो बना रहा, लेकिन इनकी शासकीय शक्तियाँ वो छिन गई थी। ये सही बात है, लेकिन कब छिन गई थी, जब ब्रिटिश शासनकाल में ये छिन गई थी। पहले ही सारे अधिकार थे, ये सत्य कथन। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था, उनके प्रतिनिधि बने, उनको बनाया गया था मुखियाओं को, और उनके उसके बदले में उनको अंग्रेजों को क्या देना पड़ता था, नजराना देना पड़ता था। ये हमने आपको जब पाठ का पढ़ाया था तो बताया भी था। और अंग्रेजों अगला से आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं अपनी पुलिस उनकी स्वयं की पुलिस होती थी, यानी खुद स्वयं न्याय करते थे, भूमि का प्रबंधन करते थे, सारे नियम खुद बनाते थे। ये भी बातें सत्य है, यानी ये भी वास्तविकता है। तो उपयुक्त सब कथन है वो लगभग सत्य है, उपरोक्त तीनों कथन है वो सत्य है, अब लिखा भी गया है, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले ये सभी मुखियाओं के अपनी पुलिस होती थी और अपनी ज़मीन पर प्रबंधन सारी कार्य भी करते थे। तो इस प्रकार कुछ आज हम लोगों ने के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, और भी एक टॉपिक पर डालते हैं कि किस प्रकार से प्रशासनिक शक्तियाँ थी वो छिन गई जिनसे, और इनके जो प्रतिनिधि होते थे अंग्रेजों के बनाए गए थे, जो मुखियाओं को प्रतिनिधि बना दिया गया था, और प्रतिनिधि की हैसियत से वो अपने समूह के अनुशासन में रखना होता था, उनका कार्य होता था, और उसके प्रतिनिधि जो होते थे उनको बदले में। अगला क्वेश्चन है, वन कानून के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगल के भीतर रहने की पाबंदी लगा दी थी। सच बात है, पाबंदी लगने के बाद अंग्रेजों के सामने यह समस्या पैदा हो गई थी। आज आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है, अगला हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।